अभी आप लोग पूछ रहे कि मैं कहाँ गायब था, कहाँ गुम था, इतने दिनों से व्लॉग क्यों नहीं आ रहा था। तो यार अगर आप लोगों को मैं सही बात बताऊँ ना, तो मेरा जो मोटिवेशन लेवल होता है ना, वो 100% में से तकरीबन 0.00001% से भी कम ही था। तो उस वजह से व्लॉग नहीं आ रहा था। वैसे आप लोगों ने पूछा तो है नहीं है, मैं पता नहीं क्यों बता रहा हूँ, लेकिन छोड़ो यार। अभी वो सीन ऐसा है, अगर आप लोग मेरे शॉर्ट व्लॉग्स फॉलो कर रहे हुए तो आप लोगों को पता होगा मैंने एक व्लॉग में कहा था कि हम यूषा के लिए एक नया हावर बोर्ड लेके आएंगे। आप लोगों को पता नहीं है हावर बोर्ड का पता है या नहीं पता, लेकिन मैं पिक डाल दूंगा, आप लोग देख लेना। तो मेरा जो हावर बोर्ड है ना, वो तकरीबन 6-7 साल हो गए, इससे भी ज़्यादा टाइम हो गया मेरे पास पड़ा हुआ है, और वो मेरे लिए बहुत स्पेशल है और मुझे बहुत पसंद है। उसके पीछे एक मेन रीजन है, वो मैं आप लोगों को फिर कभी बताऊंगा। तो यूषा जो है वो बार बार मेरा हावर बोर्ड ले लेता था, उससे शौक चढ़ा हुआ था, तो मैंने कहा चले यूषा के लिए एक नया हावर बोर्ड ले आते हैं। मैंने कहा था कि यूषा को सरप्राइज देंगे, आप लोगों को भी जो है सरप्राइज दूंगा, लेकिन अभी यूषा को भी पता चल गया, आप लोगों को नहीं पता। तो अभी मैं यूषा से कहता हूँ कि लेके आए और आप लोगों को भी फिर दिखाते हैं। तो लेट्स सी, देखते हैं आज के क्या सीन है, जो भी सीन आप लोगों से शेयर करते हैं। यार एक बात रहेगी यार, वो हर रोज हर दफा हर व्लॉग में आप लोगों को बताना पड़ता है, क्यों नहीं करते हो यार, खुद कर दिया करो, इतने अच्छे हो जो खुद कर दिया करो, मुझे बताने की जरूरत ही ना पड़े, खुद ब खुद कर दिया करो यार। आप लोग अब तो समझ गए होगे, तो फटाफट से जो है वो आप लोग कर दें। तो लेट्स सी, देखते हैं आज के क्या सीन है, जो भी सीन आप लोगों से शेयर करते हैं, लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं अपना आज का ये व्लॉग। गाइस अभी जो है ना, मैंने यूषा से कहा है कि हावर बोर्ड लेके आए, मैं अपने वाला भी लेके आता हूँ एंड फिर आप लोगों को चेक कराते हैं। ये आ गया जी, बहुत भारी है वे, इट मे बी 15 to 20 kgs। टाणा आए 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 आए, अभी यार इसको जरा आप लोगों ने इग्नोर करना है, बिकॉज आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम मैंने इसको निकाला है। निकला ओ, ये आ गया जी। यार अभी जो है ना, मैंने इसको थोड़ा बहुत साफ किया है एंड आप देख सकते हैं इसकी शाइन कहीं से भी, ये इतना पुराना नहीं लगता और बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है कि बिल्कुल ब्रांड न्यू है। एंड इसको मैं यहाँ से एक मिनट ऑन करके आपको दिखाता हूँ, बटन इसका ये नीचे, ये ऑन हो गया एंड बैटरी भी इसकी फुल ही है। मैंने लास्ट टाइम इसको चार्ज करके रखा था एंड अगर मैं आप लोगों को राइट चेक कराऊँ तो ये जो है, ये देखें ज़रा, दूसरा वाला भी तो चेक कराना है ना, ये नज़र आ रहा है, एक मिनट ये देख रहे हैं, इसका आवाज़ थोड़ा कम है मेरे ख्याल से। अच्छा ये तो हो गया मेरा वाला एंड दूसरा आए ना ज़रा गाइस, ये वाला जो है वो यूषा का हावर बोर्ड है। एंड यूषा कैसा लगा है आपको? बहुत अच्छा लगा है। इसको भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा ऑन करके चेक कराता हूँ। ये ऊपर से यहाँ से, क्योंकि ये सेकेंड हैंड है तो इस पर अभी थोड़े बहुत क्रैक्स वगैरह भी हैं। बटन कहाँ है ये इसका बटन, ये भी ऑन हो गया। इसकी मैं आप लोगों को एक राइड ले कर चेक करवाता हूँ। ये अच्छा, इसकी राइड ना थोड़ी स्टिफ है, वो बिल्कुल वो ना ज़रा बिल्कुल सॉफ्ट सा है, मतलब पता नहीं चलता, लेकिन ये थोड़ा स्टिफ है, लेकिन सेम टू सेम वही चीज़ है। और देखें आप लोगों को थोड़ा सा तेज़ करके चेक करवाता हूँ, ये चेक करें। हाय, ये जो है इसकी राइड है और बहुत ही ना यार, जिसको इस चीज़ का शौक हो ना, बहुत ही मज़े की मशीन है। एंड ये मैं आप लोगों को अब साथ रख के भी चेक करवाता हूँ, एक मिनट। ये आ गया वाइट वाला एंड ये आ गया अपना ब्लैक वाला। मैंने बताऊँ क्या सोचा है, मैंने ये सोचा है कि हम जो है ना डुओ बनाएंगे, इसको भी हम ब्लैक कलर में ना रैप करवा लेंगे। यूषा क्या ख्याल है, ब्लैक हो या किसी और कलर में हो? ब्लैक में सही रहेगा, ब्लैक में ना हमारा सेम हो जाएगा। तो मेरा तो यही ख्याल है कि ब्लैक में हम रैप करेंगे तो ये भी जो थोड़ा बहुत इसके ऊपर स्क्रैच वगैरह हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। बाकी ये भी मतलब इतना ख़ास कोई पुराना नहीं है, थोड़ा सा यूज़ में हमने ये जो है मिला था, तो कि देखने में कोई भी नहीं बोल सकता कि यूज़ में है। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वैसे ये दोनों बिल्कुल ब्रांड न्यू है। इसका जो है ना अभी टायर में हवा कम है, ये मैं फिल करता हूँ। पंप पड़ा है ना यूषा, ले के आओ ज़रा। और ये जो है वो सरप्राइज़ था, ये वाली नई मशीन है मेरी, आप लोगों ने ये वाला पहले देखा हो यूट्यूब पे, मेरे किसी वीडियो में दिखाया था आई थिंक सो, लेकिन आप खुद बताएं कि इन दोनों में से कैसा कौन सा ज़्यादा अच्छा है। और इसका मुझे रैप करने का बताएं कि हम इसको रैप करें या फिर पेंट करवा लें। बाकी एज सच ये भी बिल्कुल ब्रांड न्यू है और पता नहीं चलता, अभी भी कुछ लोग नहीं लेते क्योंकि उन्हें लगता है कि भाई ख़राब हो जाएगा, ये वो सीन है, तो उस तरह का कोई सीन नहीं है। देखें पम्प भी हमने साथ ही रखा हुआ है, उसके सोले इसमें भरनी है थोड़ी सी हवा वगैरह जो है अभी इसमें फिल हो रही है, थोड़ी सी और। अच्छा तो यार अभी जो है ना एयर भी फिल हो गई, बाकी आप देख सकते हैं बिल्कुल स्मूथ चल रहा है। अच्छा ये वाला तो मेरा हो गया, मैं आप लोगों को इसी के बताता जा रहा हूँ, अब इसका वाला भी चेक करवाता हूँ। आ गया हो,
बाकी देख सकते हैं ईशा का भी बहुत ही स्मूथ चल रहा है। वैसे बता देता हूँ 80-90 केजी जो है ना 100 केजी तक, वो वाला जो है 110 केजी तक उठा सकते हैं आराम से, और ये वाला जो है 80-90-100 के राउंड अबाउट जो है वो वेट उठा सकते हैं इजीली। एंड बाकी जो है स्पीड इसकी तकरीबन 25 किलोमीटर है, लेकिन इतना आई नॉट थिंक सो कि जाता होगा, कम ही जाता है, लेकिन बस मतलब अच्छी अच्छी चीज़ है, जिसको पसंद है ना वो ले लें। एंड बाकी यार हॉर बोर्ड्स मैंने आप लोगों को चेक करवा दिए हैं, एंड ईशा को भी काफी ज्यादा पसंद है, बस ईशा भी चला रहे हैं। एंड फिलहाल अभी का कुछ सीन ऐसा है कि अभी हम मार्केट जा रहे हैं, कुछ शॉपिंग वगैरह करनी है, एंड हो सकता है पिज्जा चीज़ा कुछ खा के आएंगे, दिल कर रहा है, बस अभी निकलते हैं एंड आप लोगों को आगे के सीन्स एंजॉय करें। सो गाइज अभी जो है मैं निकल आया हूँ, और अभी पहले हम यहाँ पे वॉक एंड में आए थे क्योंकि कोई काम वगैरह है, और बस अभी आगे मार्केट ही जाना है। तो यार आर्केड हम पहुंचे हैं और रश आपके सामने, एक मिनट यार धूम मारने दो, ये चेक करो तो मेरे ख्याल से सेल लगी हुई है तभी सारे हैं नहीं, और खैर जाते हैं अभी अंदर गाड़ी पार करते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है यार, सबसे पहले यहाँ से एक स्लश पकड़ते हैं, ठंडा ठंडा स्लश मैंने पकड़ लिया है, और यार सही बात है सारी गर्मी दूर हो गई है, सही ठंडा बर्फ़ है और शॉपिंग वगैरह हो रही है। अभी ना यार हम वेट कर रहे हैं और बड़ी मुश्किल से हमें बेंच मिला है यहाँ साइड पे, बस अभी ना कुछ पिज़्ज़ा वगैरह खाने जाते हैं। अभी जो है हम यहाँ चीज़ पहुँचे हैं, एंड तो गाइस पिज़्ज़ा जो है वो आ गया, हमने पिज़्ज़ा मंगवाया है, साथ ये रोल्स कुछ मंगवाए हैं, फ्राइज़ वगैरह हैं इसमें, एंड ये जो है साथ पास्ता भी है। तो यार घर वापस हम पहुंचे हैं एंड काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए, तकरीबन 11:30 बजी है, और मैंने आप लोगों को व्लॉग के स्टार्टिंग में एक बार कहा थी कि यार कर दिया करो कर दिया करो, अगर अभी भी आप लोगों को नहीं समझ आई तो मैं ही बता देता हूँ यार, लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो, और हाँ बेल आइकन के ऑप्शन को ऑन कर दें ताकि आप लोग मेरे आगे आने वाले व्लॉग्स की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बाकी मैंने जो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा मुझे कमेंट्स में बताएं कि हम रैप करें पेंट करें और कौन सा कलर करें, और ये भी बताएं कि आप लोगों को हॉवरबोर्ड पसंद आया या नहीं। बाकी आज के व्लॉग को मैं एंड करूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया, अगर पसंद आया तो लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के ऑप्शन को लाजमी से ऑन करें, और इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, खुदा हाफिज़।